नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज दोपहर 12:30 बजे कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित करने जा रही है और ऑनलाइन परीक्षा परिणाम जानने के लिए www.onlinebseb.in एवं biharboardonline.com पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। यूपी के परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज अंतिम तारीख है। आपको बता दें कि रविवार तक 1,28,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। केरल में लॉकडाउन की वजह से स्थगित हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू होने जा रही है, जहां परीक्षा के दौरान प्रत्येक छात्र को मास्क लगाना होगा तथा शिक्षकों को मास्क और ग्लव्स दोनों लगाने होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुल आज से 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा जा रहे हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा पहले कोरोना के मद्देनजर ऑरेंज जोन में था, मगर अब ग्रीन जोन में आ गया है। भारत चीन बॉर्डर पर गहमा गहमी की स्थिति के बीच चीनी सेना द्वारा लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 500 सैनिकों को तैनात किए जाने के बाद भारतीय सेना ने भी वहां अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार को आगामी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 से 13% तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। आयोग के मुताबिक कोरोना समस्या के कारण कृषि उत्पाद की मांग घटी है और ऐसे में MSP बढ़ाकर किसानों के लिए बेहतर रिटर्न पक्की की जा सकती है। देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन के बीच कांग्रेस ने सरकार से लोगों के खाते में 10,000 रुपए देने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि लॉकडाउन से परेशान लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए पार्टी द्वारा पूरे देश में 28 मई को ऑनलाइन अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें वे केंद्र सरकार से आयकर दायरे से बाहर के सभी परिवारों के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने की मांग उठाएगी। उत्तराखंड में सीमा को लेकर भारत और नेपाल के बीच चल रही चर्चा के बीच अब नेपाल ने भारत पर उसके यहाँ कोरोना फैलाने की बात कही है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा है कि जो लोग भारत से आ रहे हैं वह बिना सही जांच के आ रहे हैं, जिससे कि नेपाल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। HDFC बैंक को 31 मार्च को समाप्त हुई तिमाही में 2233 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। HDFC बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की इस तिमाही की तुलना में इस बार 21.96% की गिरावट दर्ज की गई है। BSNL ने अपने ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए एक खास लॉन्ग टर्म प्लान पेश किया है, जिसकी कीमत 2399 रुपए रखी गई है। आपको बता दें कि BSNL इस प्रीपेड प्लान में उपभोक्ताओं को 600 दिनों की वैधता के साथ असीमित कॉलिंग की सुविधा दे रही है। रेल भवन में एक और कर्मचारी को कोरोना होने के बाद रेल भवन को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है और वहां सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि रेलवे मुख्यालय की इस इमारत में 2 सप्ताह से कम समय में कोरोना का ये 5वां मामला है। अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुए हालात और घाटे का आकलन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही एक टीम बंगाल भेजेगा। गौरतलब है कि अम्फान के कारण पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है, जहां जनजीवन को सामान्य करने के लिए NDRF की टीमें लगातार प्रयास कर रही है। NCP प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल BS कोशियारी से राजभवन में मुलाकात की, जहां इस मुलाकात के संबंध में NCP ने कहा है कि यह बैठक राज्यपाल के निमंत्रण पर हुई और इस दौरान किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यपाल लालजी टंडन से राजभवन में मुलाकात की, जिसके बाद राज्य में परीक्षाओं को लेकर राज्यपाल और CM शिवराज सिंह की सहमति के बाद प्रदेश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 29 जून से परीक्षाएं कराने का ऐलान किया गया है। दिल्ली सहित उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में कल सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, जहां इन इलाकों की गर्मी 45 डिग्री के पार थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में मौसम इससे और गर्म हो सकती है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन वोटिंग की संभावना नहीं है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार बिहार में ऑनलाइन वोटिंग करवाना संभव नहीं है। इसके साथ ही आयोग के सूत्र ने ये भी बताया कि देश में अभी ऑनलाइन वोटिंग के लिए ना तो कोई कानून और ना ही व्यवस्था है। कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों को एक बार फिर से पास का ही सहारा लेना होगा।
मई में अब तक PFI ने भारतीय इक्विटी बाजार में 9000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। बताया जा रहा है कि इसकी मुख्य वजह ये रही कि इस दौरान कई कंपनियों के शेयर आकर्षक भाव पर उपलब्ध हैं। इग्नू ने जून 2020 टर्म एंड परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है, जिसके तहत छात्र अपने कोर्स के लिए 15 जून तक असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले असाइनमेंट जमा कराने की आखिरी तिथि 31 मई थी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को घेरते हुए ट्वीट कर कहा कि मजदूरों के पलायन पर बहुत चर्चा हो चुकी, परंतु असली प्रश्न है कि 72 साल की आजादी के बाद मजदूर मजदूर ही क्यों हैं? उसके पास खाने के लिए रोटी क्यों नहीं है, पैर में डालने के लिए चप्पल क्यों नहीं है? इस 72 साल में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रमन मित्तल बता रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रवासी कामगारों से पैदल यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार घर वापसी के लिए ट्रेनों या बसों के माध्यम से उनकी यात्रा के प्रबंध कर रही है। असम से हमारे संवाददाता हिरेंद्र गोगोई बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने हवाई यात्रा के जरिए प्रदेश में वापस लौटने सोच रहे लोगों से अपनी योजना टालने की अपील की है, ताकि सरकार उचित व्यवस्था कर सके। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक कबूतर मिला। इस कबूतर के पैर में एक कोडिंग वाली रिंग मिली है। माना जा रहा है कि इस कबूतर को पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए भेजा गया है। भोपाल से हमारे संवाददाता वीडी अनुरागी बता रहे हैं कि भोपाल फैमिली कोर्ट में एक अजीबोगरीब वाक्या सामने आया, जिसे सुलझाने में काउंसलरों को 4 दिन लग गए। यहां पर एक व्यक्ति ने कोर्ट में 108 बार मैं जोरू का गुलाम बनकर रहूंगा लिख कर दिया, उसके बाद दोनों में बात बनी। पटना से हमारे संवाददाता अंबुज कुमार बता रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन 5 घंटे चुनावी तैयारियों के बीच अगर कुछ समय मिले तो प्रदेश के विधि व्यवस्था पर गौर फरमाइए। आपको बता दें कि गोपालगंज में अभी एक गंभीर मामला सामने आया था, उसी को लेकर उन्होंने तंज कसे। नागपुर से हमारे संवाददाता विपेंद्र सिंह बता रहे हैं कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि उनके जन्मदिन पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। आपको बता दें कि उनका जन्मदिन 27 मई को है। दिल्ली से हमारे संवाददाता मुस्तकीम अंसारी बता रहे हैं कि भाजपा नेता व समाज सेवी रंजीत सिंह ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन स्थित श्यामा बैंकट हॉल में BSF के जवानों के रहने खाने और ठहरने का व्यवस्था की है। इस मौके पर एरिया के ACP और थाना SHO भी मौजूद थे। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता परवीन कुमार बता रहे हैं कि चरखारी विधायक ब्रिजभूषण राजपूत के सहयोग से भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए पंडाल लगाकर वहां खाने का वितरण किया। महुआ से हमारे संवाददाता योगेंद्र मिश्रा बता रहे हैं कि पनवारी पुलिस ने लॉकडाउन में जुआ खेलते हुए 17 जुआरी को धर दबोचा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के संभल से हमारे संवाददाता सीताराम कुशवाहा बता रहे हैं कि जनपद में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रशासन के आदेश पर सभी लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ही ईद की नमाज अदा की और ईद मनाई। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो घंटी है उसके ऑल ऑप्शन को जरूर दबा दीजिए। और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।